दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अगर सप्लीमेंट्री पढ़ते होंगे, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके जो सप्लीमेंट्री है उसमें के जितने भी टोटली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें के मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। उसके बाहर से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने ही नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना ही याद कर लिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो सिर्फ आप उससे मतलब पूरे आप मार्क्स ला सकते हैं। तो यार बिना टाइम के गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज जेसी ओवेंस, व्हाट डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ 1936। क्या है हमारा क्वेश्चन, हु वॉज जेसी ओवेंस, जेसी ओवेंस कौन था। इसको आप अपने मन से देखिए, मन से ही बना सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली जो याद किए उसको भी लिख दीजिए, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हु वाज जेसी ओवेंस, व्हाट डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ 1936। इसका आपको कम से कम 7 या 8 लाइन का आपको लिखना रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी को आप एकदम से लर्न कर लीजिएगा। देखिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी उसी लेसन का है, व्हाई वॉज जेसी ओवेंस एंग्री, जेसी ओवेंस गुस्सा क्यों हुआ था। इसको आपको अपने मन से लिख देना है, व्हाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री। इसको भी आप लिख सकते हैं 4 से 5 लाइन में। आप देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जितने नंबर का है, अगर मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप 4 या 5 लाइन का लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा और लंबा है 4 नंबर का है तब तो कम से कम आप आधा पेज लिखिए, क्योंकि आज 4 नंबर का है तब आपको आधा पेज लिखना ही पड़ेगा। आप कहोगे व्हाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री। अब देखिए आप देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, How did Lose Long differ from other members of his race? देखिए how did यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए How did Lose Long differ from other members of his race? अब देखिए इसको भी आपको लिखना है, जितने मार्क करा है मैंने बताया आप वैसे ही लिखेंगे उसी टाइप से। आपके देखिए मैंने 3 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। आप इसको यार कहीं नोट भी करते जाइए, आप एक कॉपी ले लीजिए उसमें आप नोट करते जाइए और इन क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, डू वी नो। अब ये देखिए हम दूसरे आगे चैप्टर पे, आपके सप्लीमेंट्री में कुल 3 चैप्टर हैं तो इन्हीं तीनों में से मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके बाहर से आप तो आपको आने नहीं है। डू वी नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट विक्रमादित्य, ये है डू वी नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट विक्रमादित्य। ये भी आपको लिखना है, आप अपने मन से बनाकर लिख दिएगा। आप देख लीजिएगा फ्रेंड, जब आप क्वेश्चन पेपर पा जाएंगे अपने हाथ में, जब आपको हो जाएगा एग्जाम तो आप एक बार इससे मिला लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आए रहेंगे। इन्हीं का थोड़ा घुमा के भी दे सकता है बट रहेंगे इन्हीं में से ही क्वेश्चन। तो आप इसको यार बहुत ही एकदम ध्यान से कंसंट्रेट के साथ देखिए और इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए उसको आसानी से पूरा याद कर लीजिए। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। अब देखिए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस। देखिए व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द मड। देखिए हु सैट ऑन द माउंड। देखिए व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस्ड इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट। इसको भी आपको लिखना है, अपने मन से आप इसको बनाकर लिख दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा जरूरी तो है नहीं, एकदम वो एग्जाम ना आपका पूरा चेक तो करेगा नहीं पूरा अच्छे से पढ़ के। अब देखिए अब देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन और पढ़े ना पढ़े इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने एकदम तय रहते हैं। देखिए इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, इसको आपको लिखना है। ये क्वेश्चन क्या है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको आप आंसर भी इसका याद कर लीजिएगा ताकि आप उसमें बहुत ही अच्छे से लिख पाएं। देखिए अब देखते हमारा सातवां क्वेश्चन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इन्वेंशन डिड एडिसन मेक फेमस। देखिए विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस, मतलब कौन सा ऐसी उसने खोज की थी, एडिसन ने खोज किया था जिससे वे फेमस हो गए इतने ज्यादा, तो यही इस पर पूछा है। तो इसको आप अपने मन से लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, आप याद किए होंगे तो आपको और भी बढ़िया रहेगा। अब देखिए देखते हमारा आठवां क्वेश्चन। हमारा आठवां क्वेश्चन है, व्हाई वॉज एडिसन अवार्डेड अ मेडल। देखिए इसको आप लिखेंगे, व्हाई वॉज एडिसन अवार्डेड अ मेडल। इतना है इन क्वेश्चन को, यार आप देख लीजिए
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर इन 8 क्वेश्चन में से ही पढ़ेंगे, आप एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, सिर्फ 8 क्वेश्चन जो बताए हैं लेकिन इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अगर आपका कहीं क्वेश्चन आ भी गया घुमा फिरा के, तो आप इसको अपने मन से बनाकर वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूं आपको। तो फ्रेंड यार रही थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाए। तो बस यार इसी के साथ यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।